Live, a platform to sharing your thoughts. सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से राजधानी जयपुर के बिड़ला सभागार में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश और विदेश के ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ब्राह्मण समाज की उन्नति पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सर्व ब्राह्मण महासभा के संस्थापक और अध्यक्ष सुरेश मिश्रा, इनसे बात करते हैं। मिश्रा जी, दो दिन का ये सम्मेलन था और काफ़ी गंभीर चिंतन मनन रहा यहाँ पर, और इसमें ये भी आपने लिखा कि निर्णय भी लिया जाएगा, तो क्या निर्णय लिए गए इस सम्मेलन में? देखिए, ब्राह्मण समाज सदैव हर व्यक्ति के हित की बात करता है। ब्राह्मण कभी अपने खुद की बात नहीं करता। संस्कारों की बात करें तो जन्म मरण परण तीनों संस्कारों में ब्राह्मण की ही उपयोगिता होती है, सहभागिता रहती है, और मेरा मानना है कि ब्राह्मण सदैव सबको साथ लेकर चलता है। इस भावना के साथ ये आयोजन हुआ। 15 प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किए और लगभग 24 राज्यों के प्रतिनिधि, 7 देशों के प्रतिनिधि हमारे बीच आए थे। सब ने अपने अपने विचारों को इसमें सामने रखा और हमारा मन ये था कि पूरा देश एकजुट होकर के, क्योंकि कुछ सालों में देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के बारे में हर समाज की तरफ से कहीं ना कहीं कोई टीका टिप्पणी आती रहती है। देखिए, ब्राह्मण सबको साथ लेकर चलता है और चलता रहेगा। इस बाबत हम लोगों ने आज निर्णय लिया कि देश की अखंडता के लिए ब्राह्मण समाज सदैव आगे था सनातन काल से और आगे भी आगे रहेगा, और ब्राह्मण सबके हित की बात करेगा, करता रहेगा। सर, जिस तरह से उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आए और उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए यहाँ पर सार गर्वित अपना भाषण भी दिया, और एक ही मंच पर आपने कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता यहाँ मौजूद थे, सबने समाज को आगे बढ़ाने की बात कही, किस तरह से आपका ये प्रयास रहा था कि सबको एक सम्मिलित मंच पर लाया जा सके? देखिए, समाज एक अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। मैं तो माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ये बात खुद ने भी उन्होंने कही कि जिस समाज ने बड़ा त्याग किया है, तपस्या करी है, बलिदान दिया है, उस समाज में जाने में आपत्ति क्या है। और ब्राह्मण समाज तो निश्चित रूप से त्याग तपस्या की मूर्ति रहे हैं। आज भी जितने भी हम लोग आज बात करते हैं कि जितने भी आज स्थितियाँ बनी हैं पूरे विश्व के अंदर, और नासा भी हम पे शोध कर रहा है, हमारे आर्यभट्ट के पर बात कर रहा है, हमारी सनातन जो परंपराएं थी उन पर आज बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो जो रिसर्च ब्राह्मणों ने पहले करके छोड़ दी उन पर रिसर्च आज वैज्ञानिक कर रहे हैं। ऐसे समाज में जाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ब्राह्मण तो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, और इसी भावना के साथ में हम लोगों ने कल सभी राजनीतिक दलों के लोगों को आमंत्रित किया था, और ये सामाजिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, और लोगों ने पूरे मन से इसमें हिस्सा लिया। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो देश विदेश से भी हमारे बीच में आए, सब परंपराओं को तोड़ते हुए आए, और ब्राह्मण समाज सबके साथ में है, सबके साथ रहेगा, ये भावना के साथ में आए। भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया या विश्वगुरु के तौर पर जाना जाता था, इसमें ब्राह्मणत्व का, ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन वर्तमान समय में काफ़ी तात्कालिक ये चुनौतियाँ भी बहुत कुछ हैं। निश्चित रूप से शर्मा जी, आपकी बात सही है कि कुछ कमियाँ हमारे बीच में भी रही हैं। हम अपनी परंपराओं को भूल गए, हम हमारे उस काल को भूल गए जिस काल की हमारी पहचान थी, हम उन सब चीज़ों को भूल गए जो हमारा कर्मकांड था, पुरोहित का जो हमारा कर्म था, त्रिकालदर्शी ब्राह्मण को कहा गया है, वो त्रिकालदर्शी नहीं रहा। तो निश्चित रूप से कमियाँ हमारे में थी, उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। हम उन बच्चों को संस्कारित करेंगे, उनको संस्कारवान बनाएंगे, उनके अंदर वो चेतना जागृत करेंगे जिससे कि वो वापस उस रूप में सामने आ पाए जो सनातन काल में हमारा रूप था। संगठन के तौर पर और किस तरह से आप मजबूती इसको और देंगे आगे, क्योंकि यहाँ मैंने भी देखा है कि प्रदेश से और दूसरे राज्यों से भी कई प्रतिनिधि आए हैं और आमंत्रित किया है आपको कि इस तरह से जिस तरह आपने यहाँ नेतृत्व दिया है और भी जगह जाएं, तो इसको किस तरह से और विस्तारित किया जाएगा? देखिए, अगला कार्यक्रम हम लोग सितंबर के माह में हरिद्वार में करने वाले हैं, उत्तराखंड में हरिद्वार की धरती पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन इसी प्रकार से। उसके बाद हम लोगों ने तय किया है अगले साल मार्च के अंदर फिर हम लोग दिल्ली में रामलीला मैदान में कार्यक्रम करने वाले हैं। तो अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों ने अभी से तय कर लिए हैं, 14-15 कार्यक्रम आने वाले 2 साल में हम लोग करने वाले हैं, हर राज्य में जाएंगे, इसी प्रकार चर्चा करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये हैं सुरेश मिश्रा, 2 दिन इन्होंने बेहद सफलतापूर्वक इस सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें देश और विदेश से भी कई ब्राह्मण प्रतिभाएं आईं जिनका सम्मान किया। साथ ही 15 बिंदुओं का इस सम्मेलन के बाद में प्रस्ताव पारित किया गया है जिसके तहत ब्राह्मण समाज को आगे लेकर जाया जाएगा। कैमरामैन एहसान अली के साथ BK शर्मा, सिटी लाइव, जयपुर।
City Live, a platform to sharing your thoughts.